प्यारे बच्चों, आंखों के तारे बच्चों, दिल के दुलारे बच्चों, मैं आपका दादा कहिए रिश्ते में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ। आज की इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह नौजहानों की तादाद बुजुर्गों से ज्यादा है, इसलिए मुनासिब ये रखता है कि जो कुछ भी अर्ज किया जाए वो बच्चों के शऊर के लेवल पर अर्ज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज जो आज हासिल हुआ है ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है और बहुत खुश की बात है। मैंने बहुत तकरीरें की है, बहुत कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े मजमू से खिताब किया है। मेरी जो तारीख है मुख्तसर सी, उसमें मुझे ये बताया गया है कि मैंने 1 लाख से 1.5 लाख आदमी के मजमे में भी तकलीफ की है। देखिए, आज की जो तकलीफ है ये मेरे लिए बड़ी अजीब तकलीफ है। इतने सारे बच्चे मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए यहाँ तशरीफ ले आए हैं, तो बच्चे और फरिश्तों में कोई फर्क नहीं होता। मेरा कुछ ये तस्वीर है कि जितने यहाँ बच्चे हैं वो उतने ही यहाँ फरिश्ते भी हैं, इसलिए बल्कि दुगने फरिश्ते। इसलिए अल्लाह फरमाया है कि हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते किरामत का आदमी एक इस कंधे पे इस कंधे में बैठा रहता है। तो इस सब यहाँ अगर माशाल्लाह 500 बच्चे हैं तो 1000 यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये महफिल बड़ी अजीब मासूम और मुकद्दस बन गई है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। जनाब भाई अशफाक साहब मेरे बड़े पुराने देवीना बुजुर्ग हैं और कुछ बात ऐसी है कि हम दोनों ने आपस में कुछ समझौता किया हुआ है कि भाई तुम मुझे मुल्ला कहो मैं तुम्हें हाजी कहूँ, दोनों का काम करता रहेगा। तो ये मेरी तारीफ करते हैं, मैं इनकी तारीफ करता रहता हूँ, गाड़ी दोनों की मार्शा कर जाती है। दूसरे इसके इजाजी साहब तशीश लाए, डॉक्टर शफीद साहब तशीश लाए और दूसरे बौद्ध मेहमान हैं गिरावी यहाँ तशीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसादा ने और टीचर हजरात ने जो बच्चों के ऊपर मेहनत की है वो इस कदर काबिल तारीफ है कि मेरे पास तो उसके लिए अल्फाज नहीं है जिसकी मेहनत इन्होंने। भाई ने जो कुछ इसादा और टीचर हजरात के लिए कहा है वही जज्बात मेरे लिए है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बच्चों, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जो आपके बड़े हैं कभी हम भी बच्चे थे। ये बात जो हम लोग बड़े बड़े लोग जो भुला देते हैं वो बात ये है कि हर बड़ा आदमी पहले बच्चा होता है। कोई बड़ा आदमी बड़ा एकदम नहीं पैदा हो जाता। हर आदमी जो अशफाक साहब हो, डॉक्टर साहब हो, कोई साहब हो, हम सब पहले आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे थे।
ताला ने अच्छे वादे अदा किए, अच्छे साबिदा अदा किए, तो हमारे अंदर जो सलाहियत थी उन सलाहियत की बुनियाद पर कोई बढ़ाई बन गया, कोई लोहार बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई अशफाक अहमद साहब बन गए, कोई अजीबी साहब बन गए, लेकिन ये है सब बच्चे, अंदर से सारे ही बच्चे। ये बात भी बड़ी सोचने समझने की कि हर बच्चे के अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है। जिस तरह आप देखते हैं कि आप के घर में अगर एक आम की गुठली जमीन के अंदर मिट्टी में दब जाए तो उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा निकलता है। वो छोटा सा जो एक थोड़ी सी एक टहनी सी होती है नरम नाजुक, दरअसल वो आम का बच्चा होता है। फिर हम ये देखते हैं कि जिस तरह वो बड़ा होता जाता है और उसके नतीजे में जब वो दर बन जाता है तो उसके ऊपर आम लगते हैं। तो जिस तरह आम के छोटे से बच्चे में सैकड़ों आम लगे हुए होते हैं बड़े होके, इसी तरह इंसान के छोटे से बच्चे में बेशुमार उलूम की मुश्किलें होती है और बेशुमार फलसफे होते हैं। जब वो आम की तरह बड़ा हो जाता है और हजारा हजार आम उसके ऊपर लगता है, इसी तरह जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इल्म के हिसाब से उसके अंदर बेशुमार शाखें फूटती हैं, फल लगते हैं। कोई फल मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई खुशबूदार होता है, किसी के अंदर अच्छी खुशबू नहीं होती, लेकिन उस आम के अंदर से वो पूरे, अगर उस आम से आपने 10,000 आम लिए हैं तो वो 10,000 आम दरअसल उस छोटे से बच्चे के अंदर पहले तला ने छुपाए हुए थे। ये बिल्कुल ये निर्णय बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भी हजारों लाखों सलाहियतें महसूस होती हैं। साइंस हमारी कह रही है कि इंसान के अंदर 12 खरब सेल्स। अपने देखो ना सेल्स खिलौने आपने देखे होंगे, उसके अंदर एक बैटरी सेल, बैटरी डाल दें, सेल पेंसिल सेल भी उसे कहते हैं। अगर उस खिलौने के अंदर आप उस सेल डाल दें तो खिलौना कूदता भी है, भागता भी है, आवाज़ें भी निकालता है, और जब उसके अंदर से वो सेल निकाल देते हैं वो उठी करके गिर जाता है, उसके अंदर कोई हरकत नहीं होती। तो खिलौने के अंदर जो वो बैटरी जो आपने डाली है वो उसकी एक सलाहियत है जो उसको चलाती और उठाती है। बिल्कुल इसी तरह हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है। उस सलाहियत को पैगंबर होने रूह का नाम है। अगर रूह किसी जिस्म के अंदर से निकल जाती है तो आदमी की सारी सलाहियतें भी खत्म हो जाती हैं। और जब तक वो सैल आदमी के अंदर खिलौने की तरह रहता है तो आदमी की सारी सलाहियतें भी काम करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है या इसादेदा और वालदेन के लिए बात मैं आज कर रहा हूँ, तो आप कोई उसके अंदर कोई खूबी नहीं पैदा कर देते, उसके अंदर कोई सलाहियत दाखिल नहीं कर देते। ये सलाहियत कुदरत की तरफ से पहले से उसके अंदर महसूस होती है। आप चाहे उसे चोर बना दें, आप चाहे उसे डॉक्टर बना दें, आप चाहे उसे मरीजा बना दें। जितने भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1,24,000 बच्चों, 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, लेकिन कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पैदा हो गया। हर पैगंबर बच्चे ही पैदा हुआ, हर पैगंबर ने अपनी अम्मा का दूध पिया, हर पैगंबर ने इसी तरह जिंदगी गुजारी जिस तरह हम छोटे छोटे बच्चे गुजारते हैं। तो ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर भी आदमी बच्चे ही रहता है। अगर इसके अंदर से बचपन निकल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर से सलाहियत ही निकल जाए। ये जो आज का रोना है ना कि परेशानी है, बेसुकूनी है, ये परेशानी और बेसुकूनी इसलिए है कि आदमी अपनी बचपन से लूट गया। बचपन में कोई आदमी परेशान नहीं होता। अब 12-14-15 साल के बच्चे को देखिए क्या परेशानी, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, परेशानी कोई नहीं होती।
लेकिन जब वो 20-22 साल के होते हैं और वो कहते हैं भाई अब हमें तुम बच्चा नहीं कहो, हम बड़े हो गए, यानी उन्होंने अपने बचपन को नजरअंदाज कर दिया, रद्द कर दिया। जैसे ही उन्होंने नजरअंदाज किया और रद्द किया और मुसीबतों का एक दामोदर आई थी, सिला शुरू किया। ये दौलत की हवा सिमरावट और ये जैसे एहतसाब का तस्करा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर से बचपन निकल गया, हमने बचपन से अपना ताल्लुक मुंतजे कर दिया, हम जुगादरी बन गए, हम सुकरात और बुकरात बनने की फिक्र में पड़ गए। अगर हमारे अंदर बचपना रहे तो बचपने की सलाहियतें जिसको मासूमियत कहती वो भी बरकरार रहेगी। हम अगर एक बच्चे को अब्बा कहते हैं, किसी ने आवाज दी बाहर से मियाँ साहब, तो मियाँ साहब ने बच्चे से कहा जाके कर दो कि मियाँ साहब घर पे नहीं है, तो बच्चा बाहर आएगा कि अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर पे नहीं है। ये क्या बात हुई कि अब्बा कह रहे हैं अब्बा घर पे? इसलिए बच्चे के अंदर वो झूठ बोलने की जो सलाहियत माँ बाप पैदा करना चाह रहे हैं उसके अंदर अभी मौजूद नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, वो भी बच्चे छोटे थे, अपनी वालदा से पैदा हुए, अपनी वालदा का उन्होंने दूध पिया, इसी तरह उनकी वालदा ने उनकी तरबियत की, सफाई सुथराई की, जिस तरह हम सब की होती। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर यानी बेहतरीन सलाहियत के ऊपर अल्लाह ताला पैदा कर सकता है, वालदैन से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो पूछे बना देते हैं। तो बच्चों जब इंसान अपनी सलाहियतों से वाकिफ हो जाता है, वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने उसे पहले से लेकर भेजी है, तो उसका एक मकाम बनता है, कभी वो पैगंबर बन जाता है। पैगंबर ये मखसूस चीज है, अल्लाह ताला मुंतखब कर लेते हैं, लेकिन सलाहियत को के एतबार से वो पहले बच्चा ही होता है, फिर वो कोई वडेला बन जाता है, कोई बुजुर्ग बन जाता है। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना होगा, अरे पैगंबर गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने वो भी इसी तरह पैदा हुए थे, छोटे से एक दिन के बच्चे हुए, दो दिन के बच्चे हुए, साल भर के हुए, दो साल के हुए, जवान हुए, पढ़े लिखे, अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर बना दिया। और इतनी सलाहियतें उनको अल्लाह ताला ने दे दी कि उनका हवा पे भी उनकी हुकूमत थी। मतलब वो क्या करते थे, उन्होंने एक तख्त बना रखा था, उस तख्त पर बैठ जाते थे और हवा से कहते थे कि हवा इसे उड़ा और मुझे फला मुल्क ले जा। हवा तख्त को उठा देती थी, और जिस तरह आप हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, हवाई जहाज में तो मशीनरी होती है, पेट्रोल भी होता है, रडार सिस्टम भी होता है, पायलट भी होता है, उसमें कुछ भी नहीं, वो तख्त पे बैठे हवा, भाई मुझे पाकिस्तान से लाहौर से कराची जाना है, तो हवा उसे उठा के तख्त को ले जाती थी और फिर कराची से कह देते हवा मुझे वापस लाहौर भेज दे। वो तख्त हवा में उठता था। आपने देखा वो नहीं है अली बाबा 40 स्टोर में जैसे वो कालीन उठता है अलादीन के चिराग में, तो इसी तरह वो उनका तख्त उठता था और वो हर जगह हुआ आते थे। जब बचपन का तस्करा होता है तो बचपन देखिए, जैसे मैंने आपसे क्या अमरूद का भी बच्चा होता है, आम का भी बच्चा होता है, शहतूत का भी बच्चा होता है, चींटी का भी बच्चा होता है, बिल्ली का भी बच्चा होता है, घोड़े का भी बच्चा होता है। कोई चीज यहां दुनिया में ऐसी नहीं है जो पहले बचपन न गुजारा हो और बाद में बड़ी हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे हवा में उठते थे, तो उन्होंने नीचे नजर डाली कि चींटी, एक चींटी है और वो अपनी चींटियों की मलका है, बादशाह है, तो वो ऐलान कर रही है चींटियों अपने अपने घरों में छुप जाओ, बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चला आ रहा है, ऐसा ना हो कि तुम पैरों में आके रोंदी जाओ और तुम सब हिलाक हो जाओ और मर जाओ। चींटियों ने अपना रास्ता बदल दिया, अपने घरों में छुपना शुरू कर दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में उड़ते हुए चींटियों की जो
ना तो हमर ये भी देखी यानी चींटियों का घरों में जाना भी देखा और साथ साथ उस चींटी की आवाज भी थी। सिद्धांत सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि तब यहाँ इस बस्ती में उतर जाना चाहिए। हवा ने ऊपर से जो दबाव से हवा ले जाई थी ऊपर से नीचे को दबाव डाला, तख्त आके वहाँ रखा गया और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने उस चिमटी को उठा के मलका चिमटी को, जिससे देखिए हमारे यहाँ बादशाह होते हैं इस तरह इनके यहाँ भी बादशाह होते हैं, शहद की मक्खी का बादशाह होता है, चिमटी का बादशाह होता है, तो उन्होंने अपने उस पर हथेली पे रखा उसको और सलमान अलैहिस्सलाम ने बात की उससे कि भाई तुझे अपनी रिहा का बड़ा सारा ख्याल है। साहब अगर मुझे अपनी रिहा का ख्याल ना हो तो मेरी अपनी बादशाह का क्या फायदा, मुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया। तो वो सलमान सलाम उन्हें कुछ भी और ये कहा कि चाहिए बता कि सल्तनत तेरी बड़ी है या मेरी बड़ी, यानी रिहा तेरी साथ ज्यादा है, जमीन पर तेरी हुक्मरानी ज्यादा है या मेरी हुक्मरानी ज्यादा है। अब देखिए वो चिमटी कहती है कि साहब ये बात के किसकी हुक्मरानी बड़ी है, किसकी बादशाह बड़ी है, कौन बादशाह बड़ा है, ये तो ना आपको पता ना मुझे पता, ये तो अल्लाह को पता है कि इसकी बादशाह बड़ी है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि इस वक्त जो मलका जो है चिमटियों की जो मलका है उसका जो तख्त है वो सलमान अलैहिस्सलाम की हथेली है। जिस तरह इंसान के अंदर अपनो शौर है उसी तरह चींटी के अंदर भी अपनो शौर है। एक आम के दरख्त में आम ही लगता है, एक इंसान के यहाँ इंसान ही बच्चा पैदा होता है, एक बिल्ली के यहाँ बिल्ली ही पैदा होती है। ये भी इस बात की अलामत है कि हर आदमी के अंदर अकल भी है और शौर भी है। ऐसा नहीं होता कि आम का दरख्त आप अपने घर में बोए उस पर अमरूद लगने शुरू हो जाए या अमरूद का दरख्त आप घर में बोए उसमें आम लगने शुरू हो जाए। तो यहाँ ये जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की उन सब में पहले से ही पैदाइशी अपनो शुरू हुई। मसलन आपने देखा होगा एक मुर्गी है, मुर्गी अंडे देती है, अंडों के ऊपर मुर्गी बैठ जाती है, इसको कहते हैं सहना, मुर्गी अंडे देती है। उसके बाद चूजे निकलते हैं छोटे छोटे रेशम रेशमी गालों की तरह, कितने खूबसूरत चू 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 रहे। अब उसी मुर्गी के अंडों के नीचे आप बत्तख के अंडे रख दें तो जब बत्तख के बच्चे निकलेंगे और मुर्गी के दो बच्चे आपको निकलते हुए आपको नजर आएंगे, देखेंगे आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मुर्गी के बच्चे जमीन पर चलने शुरू हो जाएंगे और बत्तख के बच्चे पानी में उतर जाएंगे। क्यों? अंडा एक है, मां एक है, बताए रहने वाले पैदाइश का अमल एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बत्तख के अंदर ये प्रोग्राम फीड किया था, उसके अंदर चिप लगी थी, उसके दिमाग के अंदर एक कंप्यूटर नजर है के बत्तख का बच्चा पानी में तैरता है, मुर्गी का बच्चा जमीन पर तैरता है। तो जब मुर्गी और बत्तख के बच्चों का हम तस्करा करते हैं और इंसान का तस्करा करते हैं तो हमें शर्म आती है कि इंसान के बच्चे को इतनी अकल नहीं है जितनी अकल बत्तख और मुर्गी के बच्चे। इसलिए कि मुर्गी का बच्चा जमीन पे तोड़ता है, बत्तख का बच्चा बगैर सिखाए पानी में चल जाता है और इंसान का बच्चा जब जमीन पर उतरता है हर वो चीज खा जाता है जो उसको खाने की नहीं, जो चीज हाथ में मुंह में रखी जाए। जो बच्चे आपने देखे तो छोटे छोटे बच्चे माए बेचते हैं, अरे इसने क्या खा लिया, अरे इसने क्या खा लिया, सुबह हमारा वो होता बीमार हो गया, उसको फूड पॉइजन हो गया, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी परेशानी। बाद में पता चला कि वो क्यारियों में फूड भरवाने में वो कहीं गोबर वोबर था उसमें खा लिया, पेट खराब हो गया। तो अब इसको नहीं कि अगर हम ये कहें कि इंसान को ही अकल दी अल्लाह ताला ने, ये सही नहीं है। यहाँ जितनी भी वक्त सबको अल्लाह ने अकल दी है और पैदाइशी तौर पर अकल दी है, सबको सलाहियत दी है, पैदाइशी तौर पर सलाहियत दी है। इंसान के बच्चे में इतनी अकल
नहीं है कि मुझे तैरना है या चलना है या फिरना है, उसके अंदर हर चीज को चख के मुंह में डाल वो तलाश करता है ये क्या है। एक तो ये बात हम ये कहेंगे कि इंसान के बच्चे को हैवाना के बच्चों के मुकाबले में कम अकल है, लेकिन साथ ही साथ ये हर चीज उठाकर मुंह में डालना इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान के अंदर और इंसान के बच्चे के अंदर जो तजस्सुस है वो हैवाना के बच्चों में नहीं है। वो चक के उस चीज को मालूम कर, और यही वो तजस्सुस है जो हैवानात के बच्चे को और इंसान के बच्चे को अलग अलग करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके अंदर जो प्रोग्राम बन जाता है, डाला हुआ है, जो उनको समझ दी हुई है, उससे वासना हो जाते हैं तो बड़े बड़े काम करने लगते हैं। अगर शैतानी रूम की तरफ उनके वादे उनका रुख कर देते हैं वो शैतान बन जाते हैं, अगर रहमानी रूम की तरफ वादे उनका रुख कर देते हैं तो वो रहमानी रूम के हामिल हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपने इसी ने प्रोग्राम अभी वीडियो में आपने पेश किया सुल्ताना डाकू का, वो इस तरह एक किस्सा है, किस्सा मुझे सुनाया था मेरे पीर मुर्शिद हुजूर कलंदर बाबा ने, के एक नाम था उसका सुल्ताना, बच्चा था छोटा था, पड़ोस में मुर्गी ने अंडा दिया वो उसको चुरा के ले आया, उसने वो अंडा लाके अपनी माँ को दे दिया, माँ ने मोहब्बत में आके वो अंडा पका के उसको खिला दिया। यहां से चोरी की सजा हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर मारूफ डाकू बन गया, वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। तो जब ये सजा देते हैं फांसी की तो उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करते हैं, उससे भी पूछा गया सारा डाकू से भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा भी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये कि जब मैं तख्ते पर खड़ा हूं और मेरा कहने का धंधा पड़ा हुआ फांसी का, उस वक्त मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बदनाम हो गया जब उसे तख्ते पे खड़ा किया गया और धंधा उसके फांसी का गले में डाल दिया गया, तो माँ को आगे सामने खड़ा कर दिया, माँ रोने लगी। तो उसने कहा माँ अब रोने का कोई फायदा नहीं, मेरी फांसी माफ नहीं हो सकती, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू मेरा जो ये आखिरी अशर अपनी आंखों से देख ले। जब मैं छोटा सा था 10-11 साल की उम्र का है, 12 साल की उम्र का, और मैं पड़ोस से अंडा चुरा के लाया था, अगर तू उस वक्त वो अंडा वापस करा देती और मुझे थोड़ी सी संघर्ष करती और वो अंडा पका कर मुझे ना गिराती तो ना मैं डाकू बनता ना मैं फांसी लगती। तो ये उस किताब का वाक्य है जिसको उन्होंने यहाँ बेहतरीन तरीके से पेश किया। तो बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं वो सारी सलाहियतें रूट पाक हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सारी सलाहियतें पैगंबरों की सलाहियतें होती हैं, अल्लाह की दी हुई तौहीद उसके अंदर शामिल होती। तो अल्लाह की दी हुई तौहीद में चोरी नहीं होती, डाका नहीं होता, मालो दर की मोहब्बत नहीं होती, वो ही कुछ होता है जो अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ करता है और अल्लाह ताला जो अपनी मखलूक से चाहता है। तो ये आज की जो जितने भी यहां बैठे हैं बड़े बड़े लोग, ये सब आप ही करे छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने भी शरारती की होंगी, क्या पता हम में से कितने ने चोरियां भी की होंगी, हमारे माँ बाप ने हमें पीटा भी होगा, मारा भी होगा। मैं अपने वापस क्यों, मैं छोटा सा था, हमारी एक शैतानी थी बड़ी नेक अल्लाहवादी थी, तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई हम अपनी वालदा को आपा जी कहते हैं, फिर भी आपा जी ने 2 पैसे मांगे, दार में हुआ आपा जी ने 2 पैसे उधार मंगवाए, उन्होंने लाके अपनी पोटली में से निकाल के मुझे 2 पैसे दे दिए। वो 2 पैसे हमने दोस्तों को इकट्ठा किया, काफी गए, उस जमाने में पैसे की इतनी कदर थी कि 1 पैसे की 3 चीजें आती,
एक पैसे में रेवड़ी आती थी, चने आते थे और मुरमुरे, तीन चीजें एक पैसे में आती थी। हमारी दादी अम्मा पान खाती थी तो उनकी भी तीन चीजें आती थी एक पैसे में। तक खाता था, पान आते थे, छाली आती थी और चूड़ा मुफ्त का आता था। इतनी वैल्यू थी उसमें, कैसा उसको कैसे। हम अपने बच्चों में साथ बैठ के खा लीजिए कॉफी, उससे गुजर गया। हम भी, हमें भी याद नहीं था कि भाई ठीक है, वो भी बात हो गई भूल भाग गई। वो कुछ अरसे के बाद उन्हें सैदानी साहबा को वो दो पैसे याद आ गए होंगे, जरूर पड़ी होगी। वो हमारी पापा जी के पास आई, उन्हें बहू कहती थी वो कि बहू बच्चा गया था, उसने दो पैसे मंगाए थे, मुझे जरूरत है, वो वापस कर दे। उन्होंने पहले तो बड़े गौर से देखा कि नहीं है कैसे दो पैसे, कहाँ के दो पैसे, दो पैसे। फिर उन्होंने मुझे ऐसे देखा घूर के, तो मैं शर्मा गया, डर गया कि भैया तो बात साथ खुल गई, साथ खुल गया। खैर वो जल्दी से गई अंदर जाकर, उन्होंने ताप थी दीवार में, कल जमाने में कोई तिजोरियों विजोरियाँ तो होती नहीं थी, अलमारियाँ भी नहीं होती थी, उस ताप में एक सूची थी, उसमें से उन्होंने उतारी और दो पैसे ला के उनको दे दी सरदारी साहब को, वो चली गई। अब मुझसे पूछा भाई दो पैसे का क्या मतलब है, क्यों लाया था। मैं कहा जी लाया था, क्यों लाया था, वो चीज खानी थी, क्या हुआ। तो उन्होंने जनाब और तो पहले तो मुझे मारा अच्छी तरह, और जब उनका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हुआ तो हमारे वो, मैं इतना छोटा था मुझे याद है कि वो जो पढ़ने का पाया होता था उसमें रस्सी से बांध गया, और मुझे इतने याद है मैं वही मदर मदर सो गया। बस नसीहत आ गई, काफी मैं बड़ा हो गया, मैं कलकत्ता पहुंच गया। कुछ कुछ हुजूर का निजाम है, मैं सियाही करता हूँ। 12 साल की उम्र से मैं अपने माँ बाप से कुछ ऐसे हालात हुए कि 12 साल की उम्र से मैं अपने वालदैन के पास नहीं गया। मैं कलकत्ते गया जनाब, वहाँ मुझे बहुत ही परेशानी लाई, बहुत ही पैसे की परेशानी लाई। वहाँ हमारी बहन थी खालदाद, मैं उनके पास गया कि भाई मुझे 10 रुपये दे। ये सन 45 की बात है, 10 रुपये दे। उस दिन फौरन 10 रुपये दे दिए। मैं एक हफ्ते तक उन 10 रुपये को खर्च करने के लिए हिम्मत बांधता रहा, और फौरन मुझे ये ख्याल आया कि अगर ये 10 रुपये मैं इनको वापस नहीं किए, वापस कैसे करूँगा, आमदनी तो मेरी कोई है नहीं। अगर इस बार को जमाने में इस बार को छुट्टी होती थी, मैं अपने ट्राम में बैठा और जाके उनके 10 रुपये उन्हें वापस किए। मेरी बहन ने कहा तो वही रुपये जो मैंने तुझे दी थी। मैं कहा मुझे जरूरत नहीं थी। यानी एक मार का, एक तंबी का इतना असर हुआ। आज भी अगर मैं किसी से कर्ज लेने का हूं तो जब तक वो कर्ज नहीं हो सकता, आप यकीन करें मेरी नींद आ रहा है। जनरेशन गैप ये झूठ है, नाफत है। वालदेन की आप घर नहीं है, औलाद के ऊपर जुल्म है। कोई जनरेशन गैप नहीं हुआ, वालदेन गैप हो गया। माँ बाप ने औलाद की जो जिम्मेदारी थी, औलाद की जो उन्हें तरबियत करनी थी, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अब घर में पैसे नहीं थे, जनाब राशन आ रहा है, बेटे को 2000 रुपये का जूता दिलवा रहे। बेटे ने, बेटे को तो पता ही नहीं, उसे तो कागज का जूता पहना दो, शुरू में कागज के कपड़े पहना दो, प्लास्टिक के पहना दो, रेशम के पहना दो। माँ बाप अपनी अना को खुश करने के, अपने आप को शो ऑफ करने के बच्चों को वो कुछ पहनाते हैं जिनका बच्चों को पता ही नहीं होता। बाद में बच्चों को भी आदत पड़ जाती है कि हमने तो फना उसको जूता देना है। अगर वो आते हैं
अपने बच्चों की तरबियत कुरान अल्लाह अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सब आदमी कहते हैं जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सब कहते हैं जी हम अल्लाह के रसूल के जो है वो हमारे महबूब हैं, हमारे हदीस हैं। भाई किस तरह आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आपके महबूब हैं, आपकी और उनकी करते जिंदगी में तो जमीन आसमान का फर्क है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत ये हमारे सामने नहीं है? हर आदमी आज का हर इंसान हर बाप इसमें यह अफसोस से कहना पड़ता है, मैं भी शामिल हूं, इंतहा झूठा है, मक्कार है, मैं आपको दगा दे रहा है, फरेब कर रहा है, झूठ बोलता है कि हम हुजूर की उम्मत है। हुजूर की उम्मत का मतलब यह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का कोई तो नशा आपके अंदर हो, कोई तो आपके अंदर असर हो उसका। क्या हुजूर ने कभी हसद किया? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा किया? हिंदा जिसने हजरत अमीर हमजा हिंदा एक खातून थी, बच्चों हिंदा एक खातून थी, खुशी खातून थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद में हुजूर के चचा थे हजरत अमीर हमजा, तो उसने हिंदा ने उड़ान से अपने कहा कि अगर ये अमीर हमजा के वो तू शहीद कर दे तो मैं तुझे इनाम ग्राम याद नहीं। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ एक बहुत में पहाड़ी जब हुजूर ने लड़ाई लड़ी तो वहाँ एक दस्ता उस पहाड़ी के ऊपर कायम किया। बच्चों जरा और से सुनो, बहुत एक पहाड़ का नाम, उस पहाड़ के बीच में एक वैली, हर पहाड़ के बीच में वैली होती, तो एक तरफ पहाड़ का सिलसिला है और दूसरी तरफ मदीने मुनव्वरा का शहर है, नखलिस्तान है, खजूरों के बागात है, और एक तरफ जो है एक पहाड़ी टीला है। तो जब जंगे ओहद में लड़ाई हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनरल थे, उन्होंने ये हिम्मत अमली इख्तियार की कि एक गिरोह फौज का एक दस्ता एक यूनिट उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया और ये कहा कि अगर फतह हो जाए तब तुम इस पहाड़ी को नीचे होना, अगर खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाए तब तुम इस पहाड़ी को नीचे होना, इस पहाड़ी की तुम्हें उस वक्त पर पहरा देना है जब तक कि मैं फतह से खुद उनसे ये ना कहूं दूसरा आर्डर नहीं करूं। वो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि फतह हुए, जब फतह हुए तो माले गनीमत का सिलसिला लूटमार शुरू हो गई। तो इन्होंने ये जिस फौज को खड़ा किया था पहाड़ी पे ये भी उसमें शरीक हो गई। जब ये शरीक हो गई खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जमाने में जनरल थे, बाद में तो बहुत मुसलमान हुए, उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, वो पीछे से आके उन्होंने फिर हमला कर दिया, उसमें मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा ने मुबारक शहीद हुआ, और उसी ने हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा जो उनके साथी थे हर रोज उनके साथ रहते थे वो भी शहीद। तो हिंदा ने हजरत अमीर हमजा का पेट चाक किया, उनका कलेजा निकाला, जिगर निकाला और उसको ऐसे चबा चबा के खाया, फिर उनके कान काटे, उनकी नाक काटी, उसको रस्सी में पिरो के अपने गले में डाला, फिर उस मैदान में रक्त किया। और कितनी हैरत की बात है जब वो मुसलमान हुई और हुजूर के सामने माफी की खासदार हुई, जुर्म से माफ कर दिया, चचा का कलेजा चबाड़ी, नाक कान काट के गले से हार पहन लिया और हुजूर ने फिर से माफ कर दिया। क्या हम यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं क्या हमें शर्म नहीं आती? क्या हम अपने दरगुजर हमारे अंदर इतना है? हम तो यहाँ मुसलमान मुसलमान को मारता है, मुसलमान मुसलमान को कातिल कहता है।
एक आदमी जाके नमाजों में जाके घोड़ी चला के 20 नमाजी मर के आ जाता है, कौन सा इस्लाम का तस्करा कर रहे हैं? जब हम खुद ही इस्लाम के पैरोकार नहीं है, हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे कर सकते हैं? हम खुद ही ठीक नहीं है, जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो हमारे बच्चे किस तरह ठीक है? देखिए हर बच्चा वही जुबान बोलता है जो माँ बोलती है, हर बच्चा खाना उसी तरह खाता है जिस तरह माँ बाप खाना खाते हैं, हर बच्चा वही लिबास पहनता है जो माँ बाप पहनते हैं। अगर बच्चों के अंदर कोई नई कदरें आ गई तो इसका साफ मतलब यह है कि वालदैन ने उसकी तरफ से तहफ्फुज़ करता है, वालदैन ने देखभाल नहीं की। अभी यहाँ जिक्र हुआ कि सर हमारी तालीम की मगरब की बहुत मादक के साथ, मुझे कोई अफसरा तनकीद नहीं करी, मगरब में तो अच्छी भी बातें होती हैं, अच्छी बातें क्यों नहीं कबूल करते? मगरब में झूठ नहीं बोलते, मगरब में मिलावट नहीं करते। मगरब में आपको पता है कि दो कतल अगर जज के पास जाएंगे, एक कतल का केस और एक मिलावट का केस, तो जज जो है कतल का केस माफ कर देता है, मिलावट का केस माफ नहीं करता। वो कहते हैं तो पूरी नस्ल क्या कतल होगी? तो तालीम अच्छी बुरी नहीं होती, बात यह कि वालदैन जो है वो खुद उन तालीमात से दूर हो गए जिन तालीमात पर दावा करते हैं। तो अगर हम अपने औलाद को, अपनी नस्ल को सुरखुरू करना चाहते हैं, अगर हम अपनी नस्ल के अंदर सुकून बख्शना चाहते हैं, अगर हम अपनी नस्ल को इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें औलाद की तरबियत के लिए पहले अपनी तरबियत करनी होगी, को अपने आप को बदलना होगा। माँ बाप से लड़ रही है, बाप माँ से लड़ रहा है, शौहर बीवी के पीछे, बीवी शौहर के पीछे, और बच्चे से कहते हैं हमारे बच्चे लड़ते हैं। अरे भाई तो जब तुम या बीवी आलों का लड़ते रहोगे तो बच्चे कैसे नहीं चलेंगे? माँ लड़ रही है, भाई हंगामा, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से मेरी कोई आप हजरात की गुजारिश है, खुशूसर इंटेलेक्चुअल लोग, दानिश्वर लोग, उसमें हमारे भाईश्वास साहब का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा है, मेरी उनसे दरख्वास्त है, देखो जब भी कहीं जाए और जनरेशन की आपका तस्करा हो तो वो ये वालदैन को उनकी गलतियां बताएं, अपने बुजुर्गों का अपना मुआवजा करके बताएं। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ, आपके सामने मैंने आपको किस्सा सुनाया कि दो पैसे में मुझे इतनी तंगी हुई, मैं जिंदगी भर कर्ज नहीं ले सकता, अगर लेता हूँ तो बहुत फिक्र पड़ जाता। मेरे अब्बा जी थे, वो जहाँ भी उनकी एक आदत थी कि जो भी कोई बुजुर्ग आता था उसके पास सलाम करने जरूर जाते थे, और एक वो ये कहा करते थे कि भाई किसी भी बुजुर्ग के पास जाओ खाली हाथ कभी नहीं जाना, चाहे तुम एक पैसे की रेवड़ियाँ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना। अभी आज के बच्चे तो अपने बड़ों को लेके ही नहीं जाते। अब मैं हूँ, मैं आपके साथ, मैं भी कोई इतना तकलीफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी जिम्मा हूँ, सारी दुनिया में मैं फिरा तब लेने करता हुआ तरबियत करता। भाई जब मुझे अपने घर में कहने के इतफाक ही नहीं होगा, अपने बच्चों के करीब ही नहीं रहूंगा, मुझे बच्चों की क्या तरबियत करूंगा? बाहर बाहर में क्यों तरबियत करता हूँ? लोग मेरे हाथ चूमते हैं, लोग मुझे मुरना गिराते, लोग मेरे बेड का अच्छे से अच्छा बिस्तरा मुझे भी जाके देते, गाड़ियां मुझे पेश करते, और बच्चे तो मुझे गाड़ियां पेश नहीं करते, वो तो मुझे अपना बिस्तर बिछा के नहीं देते। तो अला हाथ और प्यार बच्चों की तरबियत के लिए बुनियादी बात यह है कि वालदैन अपनी तरबियत, वालदैन अपने अंदर में ऐसी तब्दीलियां लाएं कि जो बच्चे देखे और उसको बुढ़े वाले आगे देखा होगा माए नमाज पढ़ती हैं, वो बच्चे खुद तो खुद मुसल्ले के आगे खड़े हो जाते हैं, बुढ़े वाले थोड़े होते हैं नमाज के। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मजलिस है ये बड़ी कामयाब रही, बड़ी मुबारक रही, और मेरे लिए नहायत ही खुशगवार तजुर्बा है इतने सारे बच्चों में आने का। पहले एक तजर्बा कराची में हुआ, आगा खान स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था,
वहां भी बच्चे बच्चे थे लेकिन इतने नहीं थे। उसमें वो तस्वीर थी, वो तस्वीर नोट करके इन्होंने छाप दी और वही हमारे बच्चे वो तस्वीर है जिसको आप लोगों ने निहायत पसंदीदा नजरों से देखा। अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे, आपको भी मेरे लिए दुआ करने के लिए जिंदा रखे। हर मुसन्निफ की या हर किताब लिखने वाले की दो चीज़ें होती हैं, तो मुसन्निफ होता है एक मौलिक होता है। ये भी बच्चों के सुनने की बात है। बहुत सारी किताबें दानिश्वरों की इकट्ठी करके चार पांच किताबें, एक टुकड़ा यहाँ से लिया, एक टुकड़ा यहाँ से लिया, एक टुकड़ा यहाँ से लिया, उसी की किताब बना दी, उसको कहते हैं तालीफ। उसका बेचारे का नाम ही नहीं होता जिसकी किताब से टुकड़े किए हुए। और एक होती है खुद साफ का कोई चीज़ आदमी जहन से, जैसे शायर शायरा जो है ना, वो तख्लीक, वो जो दिमाग से जो चीज़ें निकलती हैं उसको कहते हैं तस्नीफ। अब ये किताब ना तस्दीक है ना तालीफ है, दोनों चीज़ें गड़बड़ जिसमें बनी हुई है। जब वो कोई बंदा किताब लिखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उस पर तबसरा हो, उस पर तनकीद हो। तनकीद तो मेरे ख्याल में कोई बर्दाश्त ही नहीं करता, तबसरा ही लोग पसंद करते हैं कि उसकी तारीफ हो, ऐसी लिखी वैसी लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब पर बच्चों ने अमली मुजाहरा करके जो तबसरा किया है वो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। अभी मैं अशफाक भाई से कह रहा हूँ, किसी मुसन्निफ की मुअल्लिफ की इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे उसका अमली मुजाहरा करें। वो तो ही जो मंतुशा है।